जय श्री कृष्ण भक्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमें प्रभु के नाम जप के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए। ऐसा प्रयास कीजिए या फिर ऐसी चेष्टा करिए जिससे कि प्रभु की ऐसी कृपा हो जाए, सांस सांस नस नस में रसे, नाम का आनंद प्रकट हो, नाम का सुख मिलने लग जाए, भजन का सुख मिलने लग जाए, ऐसा प्रयत्न कीजिए। नाम जप में आनंद कब आएगा? जब नाम जप व्यसन बन जाए, जब नाम जप आदत बन जाए, ऐसी आदत की छोड़ा ही नहीं छूटे, तब जाके नाम स्मरण में भजन में आनंद आने लग जाएगा। और इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, या ऐसे कोई ज़्यादा बड़ी बात मत समझना। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने आप को बड़ा दुर्बल समझ लेते हैं, कमज़ोर समझ लेते हैं, अपने आप को बड़ा अयोग्य समझ लेते हैं। बहुत से लोग कहते मिल जाएंगे कि अरे साहब, हम तो घर गृहस्थी वाले आदमी हैं, काम धंधे करने वाले हैं, हमसे वजन कैसे होगा। ऐसा कहकर आप अपने आप से बचकाना हरकत मत कीजिए। अपने मन को ऐसा मौका मत दीजिए जिससे वो बचकर निकल जाए। भाव से भजन कोई भी कर सकता है, पतित से पतित जीव का भी भजन करने का अधिकार है। चाहे कोई कितना भी विषय वासनाओं के मल में लिपटा हुआ हो, फिर भी उसे भजन करने का अधिकार है। अरे भाई, कम से कम तुम चेष्टा तो करो। ठीक है, तुम भजन नहीं कर सकते हो, लेकिन मन में भजन करने की इच्छा तो उत्पन्न कर सकते हो, और प्रभु से इतनी प्रार्थना कर सकते हो, अब प्रभु कृपा करऊं एही भांति, सब तज भजने करो दिन राती। ये प्रार्थना तो कर सकते हो प्रभु से, प्रयास तो करना ही पड़ेगा। वरना क्या होगा कि एक बात से निकलोगे, तब तक मन दूसरी जगह उलझाने लग जाएगा आपको। इस मन से नहीं जीत पाओगे आप। ये मन जगह जगह पे उलझा देगा कि अरे, सब छोड़कर भजन करने लग जाएंगे तो घर परिवार कैसे चलेगा, ऐसे नाना प्रकार के षड्यंत्र करने लग जाएगा मन कि कहीं भजन में नहीं लग जाए, और ऐसे अनेकों अनेकों मार्ग दिखा देगा जो भक्ति के रास्ते से बचकर निकलते होंगे। क्योंकि शास्त्र में भी कहा है कि मन ही मिलावे राम से और मन ही करे भजीत। मन ही मिलाता है राम जी से, ये बंधन का कारण भी मन है तो मुक्ति का कारण भी मन है। इसलिए हमको एक निष्ठ भाव से संतों और वेद शास्त्रों के वचनों का अनुसरण करते हुए, विश्वास करते हुए भजन पथ पर चलना है। सिर्फ एक बार मैं पुनः पुनः फिर से दोहरा रहा हूँ, सिर्फ नाम स्मरण का अभ्यास करो, और कुछ नहीं करना है। जब तुम्हारे नस नस से स्वतः ही, तुम्हारे जिभ्या से स्वतः ही हरि नाम भजन निकलने लग जाएगा, तब तुमको पूर्ण परमात्मा की कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, धन्यवाद।